में किसी के प्यार में आप लोग अभी कमी देखेंगे कि सावी अपनी जिंदगी के इस तूफान से बुरी तरह बिखर गई है, जहां उसने अपने खानदान को सब कुछ खो दिया है। अब पंडित जी ईशान से आखिरी रसूमात अदा करने को कहेंगे, जहां ईशान कहता है कि इसका असल हकदार सावी है। गरीब सावी इस हालत में नहीं है कि वो वही रस्म अंजाम दे सके जहां ईशान और सावी एक साथ आखिरी रसूमात अदा करेंगे। सावी को इस हालत में देखकर ईशान खुद को माफ नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो समृद्ध के इस कदम का जिम्मेदार है। अब ईशान सबको ठीक करने और सावी से शादी करने का फैसला करेगा, जब गांव वाले उसे इसकी जिम्मेदारी लेने को कहेंगे। सावी की अपने घर वापसी के साथ ही भोसले खानदान को सुनामी का सामना करना पड़ेगा। इस तरह ईशान सावी से शादी करके उसे घर ले जाएगा। जब भोसले खानदान को यह हकीकत मालूम होगी तो क्या होगा, ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा। शो में फैन के लिए आगे क्या होता है, तब तक के लिए न्यू वीडियो के लिए रखिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो।